हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी के साथ एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूँ। दोस्तों हाँ दोस्तों, आप सभी लोग एंड्रॉइड मोबाइल तो चलाते ही होंगे, साथ में आप इंटरनेट भी यूज करते होंगे। दोस्तों, आपको पर डे 1 GB, 1.5 GB, 2 GB डाटा मिलता होगा दोस्तों। लेकिन बहुत सारे एंड्रॉइड मोबाइल में कुछ सेटिंग ना होने के कारण बहुत जल्दी आपका डाटा आपका चला जाता होगा, बहुत जल्दी आपका डाटा खत्म हो जाता होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में ऐसी कौन सी सेटिंग करें जिससे कि आपका मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा चले और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो देख सके, अपने मोबाइल को यूज कर सके और उसमें डाटा चला सके। तो मैं दोस्तों ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि 24 घंटे से भी ज़्यादा उसमें आपका नेट पैक चलेगा, चाहे वो 1 GB हो, चाहे 1.5 GB हो, चाहे 2 GB हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी सेटिंग्स के बारे में बहुत ही शानदार जानकारी देने वाला हूँ और इस सेटिंग को करने के बाद आपका मोबाइल भी बहुत शानदार तरीके से 24 घंटे भी आप चलाओगे तो आपका नेट पैक डाटा खत्म नहीं होगा और आप बहुत शानदार तरीके से अपनी वीडियो देख सकेंगे, अपने मोबाइल को यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप यूं ही सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आ गया मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही शानदार ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे कि आपका मोबाइल का डाटा बहुत ही शानदार तरीके से बचेगा और इन सेटिंगों को आपको अपने मोबाइल में कर लेना है ताकि आपका भी डाटा 24 घंटे तक चल जाए और बहुत शानदार तरीके से चल जाए और आप उसको यूज कर सके। तो दोस्तों पहली सेटिंग आपको सिंपली करना क्या है कि आपके मोबाइल में दोस्तों प्ले स्टोर तो होगा ही, दोस्तों सभी के मोबाइल में रहता है। आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर आपको ऊपर आपकी प्रोफाइल पिक्चर होंगी, प्रोफाइल पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। मेरा टी जैसा आपको प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा होगा तो इस पर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर में जाना है। प्रोफाइल पिक्चर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर नीचे नेटवर्क प्रिफ्रेंसेस पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे देखिए दोस्तों ऑटो अपडेट एप्स, हाँ दोस्तों ऑटो अपडेट एप्स, आपके मोबाइल में 10, 20, 30 एप्स होंगे दोस्तों, बहुत आप उनको यूज करते होंगे, चलाते होंगे। तो दोस्तों इस ऑटो अपडेट एप्स में होता क्या है दोस्तों कि आप डेली यूज करते हो तो वह ऑटो अपडेट एप्स डेली अपडेट होते रहते हैं जिससे कि आपका बहुत सारा डाटा उसमें चला जाता है, 100, 200, 300 MB, 400 MB, कभी कभी 500 MB तक भी चला जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने ऑटो अपडेट एप्स में जाना है और वहाँ जैसे यह ओवर एनी नेटवर्क या फिर ओवर वाईफाई ओनली पे होगा तो आपको इन तीनों में से नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों, डू नॉट ऑटो अपडेट्स ऐप, डू नॉट ऑटो अपडेट्स ऐप को डन कर देना है। इससे होगा क्या कि आपके ऐप्स ऑटो में अपडेट्स नहीं होंगे, आप अपनी मर्जी से जब करना चाहे तब होंगे और उससे आपका पर डे 10 से 20 MB पर ऐप पे बचेगा और 200, 300, 400 MB आप बचा पाओगे और अपने मोबाइल में उसे अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। और दोस्तों दूसरी सेटिंग बहुत ही खास सेटिंग है, इसको भी अगर आप अपने मोबाइल में चालू कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा डाटा बचेगा और सारा कुछ होगा। तो सिंपली आपको अपने YouTube ऐप में जाना है दोस्तों। YouTube ऐप में जैसे ही जाएंगे आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर आर करके होगा दोस्तों, उस पर जाना है और यहाँ पर सिंपली आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है दोस्तों। सेटिंग में जैसे जाएंगे उसके बाद में देखिए दोस्तों डाटा सेविंग लिखा होगा, डाटा सेविंग पर जाना है। डाटा सेविंग में आप जैसे ही जाओगे तो सबसे ही ऊपर दोस्तों देखिए दोस्तों डाटा सेविंग मोड लिखा होगा, डाटा सेविंग मोड को बंद होगा दोस्तों, तो आप उसको सिंपली चालू कर लीजिएगा। चालू करने से आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, आपको बहुत सारा आपका डाटा बचेगा क्योंकि डाटा सेविंग मोड चालू रहने से आपको कम से कम MB खर्च होंगी आपकी वीडियो देखने में, आपके ऑडियो सुनने में, आपको यूट्यूब चलाने में बहुत कम डाटा लगेगा, इससे कि आप यहाँ से भी 500 से 600 MB अपना डाटा डेली का बचा पाओगे और सारा कुछ कर पाओगे। और नीचे देखिए दोस्तों बहुत सारे सेटिंग्स और चालू हो जाएंगे, जैसे रिड्यूस वीडियो क्वालिटी, यानी आपकी वीडियो क्वालिटी भी कम हो जाएगी, रिड्यूस डाउनलोड क्वालिटी, आपको थोड़ा सा डाउनलोड क्वालिटी भी कम हो जाएंगी, आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर आपका डाटा बहुत कम से कम लगेगा और ओनली डाउनलोड ओवर वाईफाई यानी इंस्ट्रक्टेड मोबाइल डाटा, यानी
जब आप मोबाइल को इंस्ट्रक्ट देंगे तभी आपका डाटा खर्च होगा, वैसे अपनी बिना मर्जी के नहीं होगा। नहीं तो अगर सेटिंग डाटा सेविंग मोड बंद रहता है तो आपका बेफालतू में आपका डाटा जाएगा और सारा कुछ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से 4-5 सेटिंग और चालू हो जाती है जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका डाटा 24 घंटे तक आराम से चल जाएगा, बिंदास तरीके से चल जाएगा। तो आपको यह सेटिंग कर लेना है। दोस्तों तीसरी और इम्पोर्टेंट सेटिंग फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अपने मोबाइल में आप फेसबुक तो दोस्तों चलाते ही होंगे, तो दोस्तों वहाँ से भी आप अपने फेसबुक पर जैसे चलाते हो तो बहुत सारा डाटा वहाँ पे भी खर्च हो जाता है, तो वहाँ से भी आप अपना डाटा बहुत शानदार तरीके से वह सेटिंग करके आप बचा सकते हो। तो सिंपली आपको फेसबुक ऐप पर जाना है। जैसे आप फेसबुक ऐप में जाएंगे तो दोस्तों आपको सिंपली अपने ऊपर थ्री डॉट्स होगा दोस्तों, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों अपने सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। दोस्तों जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको दोस्तों मीडिया करके लिखा आएगा, तो मीडिया पे आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको दोस्तों देखिए दोस्तों ऊपर ही डेटा सेवर मोड लिखा होगा, तो दोस्तों यह बंद होगा, इसको चालू कर लेना है। तो यहाँ पर आपका बहुत ही सिंपली तरीके से बहुत सारा डाटा बचेगा, बहुत सारा आप जैसे वीडियो वगैरह देखते हो तो बहुत सारा डाटा यहाँ चला जाता है, चैटिंग वगैरह करते हो तो बहुत सारा डाटा चला जाता है। तो इसको अगर ऑन रखेंगे तो आपका डाटा सेवर मोड चालू हो जाता है जिससे कि आपका डाटा बहुत कम से कम लगेगा और आप उसे बहुत लंबे समय तक चला पाओगे। उसके अलावा भी हाँ दोस्तों नीचे ऑटो प्ले होगा, दोस्तों नीचे लिखा वाला ऑटो प्ले, तो यह दूसरे सेटिंग में होगा दोस्तों। जैसे मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पर होगा या फिर सिर्फ वाईफाई पर होगा तो इसको नीचे वाले थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, कभी भी ऑटो प्ले ना करे, इसको आपको इनेबल कर लेना है जिससे कि होगा क्या कि आपका वीडियो ऑटो प्ले नहीं होगा और उससे आपका भी डाटा बच जाएगा। बेफालतू की वीडियो आप जिसको देखना चाहे वही वीडियो देखेंगी और आलतू फालतू वीडियो नहीं दिखेंगी जिससे कि आपका बहुत सारा डाटा यहाँ से बच जाएगा। और दोस्तों चौथी सेटिंग में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग, बहुत ही खास सेटिंग है, इसको भी बता देता हूँ। जो दोस्तों आपके इसमें फोटोज़ ऐप एप्लीकेशन तो होगा ही दोस्तों, फोटोज़ एप्लीकेशन से भी आप अपना बहुत सारा डाटा वहाँ से सेविंग कर सकते हो, बचा सकते हो। और उस आपको अपने क्या करना है, सिंपली अपने फोटोज़ एप्लीकेशन में जाना है। जैसे आप अपने फोटोज़ एप्लीकेशन में जाओगे उसमें आपको दोस्तों अपनी प्रोफाइल पिक्चर में जाना है। प्रोफाइल पिक्चर में जैसे ही जाओगे दोस्तों नीचे फोटो सेटिंग का ऑप्शन होगा, दोस्तों फोटो सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप फोटो सेटिंग में जाओगे इसमें बैकअप एंड सिंक में फिर से जाना है आपको। और बैकअप एंड सिंक में जाने के बाद में दोस्तों यहां दिखाऊंगा मोबाइल डाटा यूजेस पर आपको क्लिक करना है। और सिंपली दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर देखो दोस्तों डाटा नो डाटा 5 MB 10 MB 30 MB अनलिमिटेड, तो दोस्तों आपको अनलिमिटेड पे तो रखना ही नहीं है, इससे आपको बहुत सारा डाटा लगेगा। 30 MB 10 MB में भी नहीं रखना है, आप डायरेक्टली नो डाटा पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपका डाटा यहाँ से बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि आप वीडियोज आइडियोज फोटोज़ बहुत सारे आप डाउनलोड करते हो, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते हो जिससे कि आपका बहुत सारा डाटा खर्च हो जाता है। तो आप इसे भी नो डाटा पे कर लीजिएगा ताकि आपके यहाँ से डाटा कम से कम खर्च हो और आप सारा कुछ यहाँ से डाटा वगैरह सारा कुछ बचा पाए और सारा कुछ कर पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डाटा सेविंग के बारे में बहुत शानदार जानकारी दी जिससे कि आप अपना बहुत सारा डाटा बचा पाओगे और 1 GB हो चाहे 1.5 GB हो आप 24 घंटे तक आराम से चला पाओगे। और इस सेटिंग को आप कर लीजिएगा अपने मोबाइल में जिससे कि आपका डाटा 24 घंटे तक आराम से चल जाएगा और सारा कुछ हो पाएगा और आप बिंदास तरीके से अपने फ़ोन को यूज कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे, पसंद आएंगे तो लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे पसंद आई। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।